हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैं लगी हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो लंच में बनाऊँगी मैं दाल और टमाटर की चटनी, दही, सब ये बस यही रहेगा। और उससे पहले मैं थोड़ा और निपटाऊँगी काम, क्योंकि बेटे ने थोड़ा सामान ला के रखा है। जब वो हॉस्टल में रहता था ना, तो वहाँ पे बाद में हॉस्टल छोड़ने के बाद रूम में पार्टनर के साथ में रहा था, तो वहाँ पे उसका सामान रखा हुआ था, तो वही लेके आया था। तो उनको साफ़ सफाई, उनकी क्लीनिंग करूँगी। उससे पहले मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ लंच की, क्योंकि सब काम एक साथ में तो निपटेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ करके ऐसे ही करूँगी। लंच पूरा बनाया नहीं, उससे पहले बेटे को तो लग गई भूख, बोल मम्मा खाना दे दो, तो उसको पहले खाना देने लग गई हूँ। तो टमाटर की चटनी तो बनाई नहीं मैंने, दाल दही रोटी बस यही बनाया। तो उसको दाल बहुत पसंद है, उसको टमाटर की चटनी तो कम ही खाता है, पर उसको दाल रोटी बहुत पसंद आती है। तो बोला मम्मी मुझे तो दाल दे दो, तो मैं फटाफट से खा लूँ, मुझे ज़ोरदार भूख लगी है। तो मैं उसको खाना देने में लग गई और बाकी का काम छूट गया, वो बाद में करूँगी। पहले खाना पेट पूजा, पहले बाद में काम दूजा यही रहता है। पहले तो पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, तो खाना ज़रूरी होता है। तो बस बेटे को खाना दे रही हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने दाल दही रोटी, तो यही है। सलाद सलूद कुछ नहीं काटने दिया उसने, बोला मम्मी जल्दी से लेके आओ, तो मैं उसके लिए जल्दी से ले गई। तो फिर बोला कि मम्मी अपन दोनों साथ में ही, मैं बेटे के साथ ही खाना खाती हूँ, दोनों माँ बेटे साथ में ही खा लेते हैं। बोला मम्मा आप भी आ जाओ जल्दी। तो मैंने दो कटोरी में दही डाल ली है। तो और ये देख सकते बेटे का सामान, तो इसको साफ करूँगी। तो हम माँ बेटे खाना खा ही रहे थे, तो इतने में बड़ा वाला बेटा भी आ गया, तो बोला कि मम्मा मुझे भी खाना दे दो। तो उसी के लिए मैं, उसके लिए रोटियां सेकी नहीं थी, हम दोनों के लिए ही सेकी थी, मैंने उसके लिए आटा रख दिया था। तो उसको फिर से थोड़ा कम था, तो वो थोड़ा सा और आटा लगा रही हूँ, और उसको भी रोटियां सेक के दूंगी गरम गरम। तो उसके लिए सेक रही हूँ, बाद में वह करूँगी। काम तो मेरा आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसकी बर्तन और उसके सामान की क्लीनिंग बाद में ही करूँगी, पहले उसको भी खाना दे देती हूँ। तो थोड़ा आटा और लगा ले रही हूँ, क्योंकि कम हो गया, तो आटा आइडिया नहीं आया मुझे, जल्दबाजी में किया था तो पता नहीं चला, थोड़ा कम रह गया, तो थोड़ा और लगा ले रही हूँ और उसको भी खाना दे देती हूँ। और मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी दीपावली भी आ रही है नज़दीक, तो साफ़ सफाई तो वैसे भी करते ही रहना है, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो ही हो पाएगा। एक दिन में तो सारा साथ में नहीं होता ना, तो धीरे धीरे कभी थोड़ा थोड़ा करके सफाई करनी पड़ेगी। तो ये इस पहले दिन के वो सामान लेके आ, क्लीनिंग उनकी उसकी करूँगी अच्छे से, क्योंकि कई दिन से बच्चे अच्छे से करते भी नहीं है ना, तो ये सारा सामान ऐसे गंदा ही पड़ा है। और ये देख सकते हो इतना सारा सामान है, इसकी सारे की क्लीनिंग करके मैं पहुँच के रख दूँगी। वैसे तो यूज़ करने के लिए तो है, ये एक्स्ट्रा में है इसका, तो इसको अलग रख दूँगी साफ करके। तो चलिए कर लेते हैं सफाई इसकी। ये तो कितने सारे हैंगर हैं, तो इन सब को क्लीन करूँगी, सब डस्ट लगी हुई है सब में ही थोड़ी बहुत, तो इन सब को क्लीन करूँगी और क्लीन करके पैक करके रख दूँगी डब्बे में। तो फिर कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा। अभी तो मेरे पास यूज़ करने के लिए तो है, तो ये एक्स्ट्रा में ही रहेगा। तो पहले तो हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में तो सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बाद में थोड़े एक साल बाद में और अपने पार्टनर दोस्त के साथ हमें रूम लेके रहने लगा, तो ये सामान थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लिया।
क्योंकि अलग रहते हैं तो कैंटीन का रोज़ रोज़ बच्चे खा भी नहीं पाते, अलग अपना कुछ न कुछ बना ही लेते थे कभी कभार, रोज़ तो नहीं बनाते थे परंतु कभी कभार जब मूड किया तब बच्चे बना लेते हैं। संडे को छुट्टी उट्टी होती है तब रोज़ तो नहीं बना पाते, पर कैंटीन का भी रोज़ रोज़ बच्चे खा के बोर हो जाते हैं और सेहत के लिए वो मसाला इतना ज़्यादा डालते हैं तो वो नुकसान भी करता है, बच्चों का पेट भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो डेली खाने में है ना मसाला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर वो तो अपने टेस्ट के लिए ज़्यादा ही मसाला डालते हैं, टेस्टी तो लगती है परंतु वो अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए बच्चे कभी कभी रूम पे बना लेते हैं जब गर्मी होती है ना, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करके निपटा रही हूँ। और ये जो सामान है कुछ इधर उधर रखा हुआ तो ड्रॉर में सेट कर दूँगी। तो चलिए मैंने रोटी सेक ली है, अब बेटे को बड़े वाले बेटे को भी मैं खाना दे ही देती हूँ। उसके लिए सैलेड के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ दाल के साथ, उसको प्याज अच्छा लगता है तो, और कुछ नहीं खाता, प्याज ही ज़्यादा खाता है सलाद में, तो मैं ये प्याज कट करके कटोरी में रख दिया है और साथ में दाल और दही उसको भी यही दे दूँगी क्योंकि चटनी तो बना नहीं पाई, जल्दबाजी कर रहा था छोटा वाला, तो मैं सोची फिर बाद में शाम को बनाएंगी। अभी एक बार छोड़ दिया तो फिर आलस भी होने लगता है, वो मेरे काम सामने फैला पड़ा था तो उनको भी निपटाना है, तो उसको भी दाल रोटी दही ये सब दे देती हूँ। दाल तो दोनों बेटों को ही पसंद है, दोनों ही अच्छे से चाव से खा लेते हैं, और कम पर मुझे तो कम ही पसंद है पर उन बच्चों को पसंद है, तो इसीलिए मैं दाल बनाती हूँ करीब ज़्यादा करके। वैसे तो दाल एक टाइम तो बनती ही बनती है, पर आज दोपहर शाम को बनाती हूँ करीब करीब तो, परंतु आज सुबह दोपहर में ही बना ली। तो चलिए लगा देती हूँ खाना।